लेकिन मैं ये बोलूँगा भाई सबसे ग्रीन सिटी है ये भाई यहाँ का I&M बैंक भाई आर्किटेक्चर दिख रहा है ओके दिस थिंग्स आर लोकल मेड इन रवांडा और डाउनटाउन में लोगों के रेस्ट रूम्स कुछ ऐसे बने हुए हैं ये पूरा एरिया है ना भाई आपका कार फ्री एरिया है यहाँ पे कोई व्हीकल्स अलाउड नहीं आपको दिख रहा होगा ना कार है ना कोई बाइक है तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ की एक मुस्लिम स्ट्रीट के अंदर और हे गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका रवांडा की कैपिटल किगाली के अंदर तो अभी ठहरा हुआ हूँ भाई मैं अपने एक होस्ट के पास में इंडियन होस्ट के पास में और खाना पीना बना रहा हूँ और उसके बाद आज हम निकलेंगे भाई जो किगाली की सबसे डेवलप वाली साइड है ना जो आपका न्यूयॉर्क से भी आपको ख़तरनाक वाली वाइब्स आने वाली है वो घूमने के लिए और बाकी सब डाउनटाउन वाला एरिया एक्सप्लोर करेंगे और उसके अलावा भी जो भी कुछ मतलब स्पेशल है सिटी के अंदर वो एक्सप्लोर करेंगे तो पहले करते हैं जल्दी से नाश्ता और फिर निकलते हैं क्योंकि अपना जो बंदा है वो वेट कर रहा है अपना और उसको साला मैं झूठ भी नहीं बोल सकता कि ट्रैफिक में फंस गया ये फंस गया क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक होता ही नहीं भाई इतना अच्छे से मैनेज होता है पूरा सिटी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा तो भाई निकल चुके हैं अपने टाउन एक्सप्लोर करने के लिए और भाई अब जिस एरिया में मैं हूँ ना ये बता देता हूँ आपका सबसे पॉश सबसे जो अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं वो एरिया है किगाली का आप देख सकते हो चारों तरफ करोड़पति लोगों का एरिया है भाई ये यहाँ पीछे 1 किलोमीटर से स्टार्ट होता है यहाँ से लेके आगे तक ये देखो भाई ये अपार्टमेंट्स नहीं है सिंगल बंदे का घर है ये और किगाली में ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे घर के सामने गार्डन नहीं लगाया हुआ हो हर बंदे के घर के सामने आपको गार्डन मिलेगा भाई ये भी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन में है तो सामने खड़ा है बोडो बोडो वाला भाई बोडो बोडो चाहिए मेरे को क्योंकि जहाँ पे मेरे को जाना है वो जगह यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसे तो कन्वेंशन सेंटर द राउंड बिल्डिंग कलरफुल एट नाइट कन्वेंशन सेंटर ओके भाई यहाँ पे बंदों को इंग्लिश नहीं आती तो मेरे को लिख के बताना पड़ रहा है सब फ्रेंच बोलते हैं यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर व्हाट यू कॉल इट कन्वेंशन सेंटर ओके हाउ मच 500 ओके दैट्स गुड ओके थैंक यू शावा शावा थैंक यू करीब उसाना यू आर मोस्ट अमेरिका भाई ने 500 रुपए मांगे थे और 500 कोई ज्यादा नहीं थे भाई यहाँ पे मतलब काफी आपको पता चल जाता है 3-4 किलोमीटर के लिए 500 यहाँ का इक्वल हो गया इंडिया के 35 के आसपास हो गया तो इतना चलता है कोई बात नहीं तो फाइनली पहुंच चुके अपने कन्वेंशन सेंटर के ऊपर यहाँ पे अंदर एंट्री तो अलाउड होता है लेकिन आज यहाँ पे कुछ कॉमनवेल्थ वगैरह के लिए मीटिंग चल रही है तो इस वजह से अलाउड नहीं है और इसके पास ही बना आपका रेडिशन होटल सबसे महंगा होटल है भाई ये आपका किगाली का एक नाइट का आपका 800 से $1000 तो चलते हैं यहाँ से आगे और अपना ये वाला प्लान तो कैंसिल हो गया लेकिन बाकी का जो सब कुछ है वो करने वाले हैं हम एक्सप्लोर और भाई मुझे यहाँ पे एक और भाई मिल चुका है ये भी यहाँ से लोकल यूट्यूबर है तो ये भी बोल रहा है कि मेरा भी घूमने का प्लान है तो हम साथ में ही घूम लेंगे लेट्स मीट माय ब्रदर हेलो हेलो भाई यू आर डूइंग वेल माय नेम इज मार्विन हाउ यू से माय नेम इज मार्विन इन फ्रेंच Je m'appelle Marvin. Ah. तो भाई यहाँ पे जो राज है वो जर्मनी और बेल्जियम ने किया था इस वजह से यहाँ पे लोग इंग्लिश से ज़्यादा फ्रेंच बोलने में ज़्यादा फ्लुएंट हैं तो अभी एंटर कर चुके हैं भाई हम कुछ पार्क जैसा एरिया ही है और चारों तरफ भाई स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे होंगे आपको मतलब यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं उनका हाफ टाइम में यहाँ पे रिलैक्स करने वाला एरिया है लेकिन भाई आप देखो ये अफ्रीका है ट्रस्ट मी मेरे को खुद को बिलीव नहीं हो रहा भाई ये अफ्रीका है कितने अच्छे से इन लोगों ने मैनेज करके रखा है यार ये वही कंट्री है जहाँ पे 1994 में जेनोसाइड हुआ था लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे और उसके बाद 25 साल के अंदर कंट्री को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया इनके पॉलिटिशियंस ने यार 1994 या 1995 के आसपास टाइम कुछ ऐसा था यहाँ का जो GDP था वो -50 चला गया था बट आज का आप देखो तो फिर बहुत आगे लेकिन भाई जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को इस देश के बारे में साफ़ सफाई रूल रेगुलेशन कितने लोग शिद्दत से फॉलो करते हैं दिख रहा है आपको कुछ भी नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे कचरे के नाम पे हर जगह 50-50 मीटर पे आपको ऐसे डस्टबिन लगे मिलेंगे और एक और चीज़ बताता हूँ भाई इस कंट्री के बारे में यहाँ पे ना एक महीने का जो लास्ट वीक होता है ना उसके सैटरडे के ऊपर एक उमाकांडा नाम का कोई कंपेन होता है ठीक है तो उसके अंदर हर जो बंदा है ना भाई उसको पार्टिसिपेट करना होता है वैसे कंपलसरी नहीं है लेकिन लोग खुद से इतने जागरूक है ना कि वो पार्टिसिपेट करते हैं साफ़ सफाई करते हैं अपने आसपास की नेबरहुड की हर जगह भाई कौन इमेजिन कर सकता है भाई किसी अफ्रीकन कंट्री में ये सब कुछ चीज़ें चल रही होंगी भाई यहाँ पे ना आप
10 फीट भी ऐसा एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको पेड़ नहीं मिलेंगे। हर एक फीट के ऊपर पेड़ पेड़ पेड़, पूरा ग्रीन बनाने का कोशिश किया जा रहा है इस सिटी को। देख रहे हो आपको हर जगह पे ये पाम लगा हुआ है आपके यहाँ पे। भाई मोल भाव कर रहा है, ये 1000 बोल रहा है, इतना तो मैं समझ गया, लेकिन भाई बोल रहा है 500। बीच में क्या बात चल रही है पता नहीं, या फिर पता नहीं ये दोनों बातें कर रहे हैं, इसको चिपका देते हैं। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। Can you go before me and I'm coming back? How I will find you? I'll tell him the place. Okay, he'll drop me there. Okay. तो भाई पहुंच चुका हूं आपका अफ्रीका की सबसे विकसित देश रवांडा की कैपिटल किगाली के डाउनटाउन के अंदर। ऐसे कुछ नज़ारे हैं भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी चारों तरफ, जहां तक आपकी नज़र जा रही है वहां तक। बिलीव मी इट्स अफ्रीका। भाई यार सच में मेरा दिमाग घूम रहा है ये सब चीज़ देख देख के। यहां का सिस्टम देखो आप, कितने अच्छे तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। नो आई जस्ट केम नाउ हियर। पीछी ओके, पीछी पीछी भाई आ नहीं रहा, 20 मिनट हो गए मेरे को, थोड़ा थोड़ा टेंशन हो रहा है। गोटी तो कल्टी तो नहीं मार गया वो? आ गया भाई अपना, आ गया, कल्टी नहीं मारा। व्हाट काइंड ऑफ रूम्स आर दे, स्मोकिंग रूम्स? नो, दिस इज अवर हाउस ऑफ चिलिंग द मेड इन रवांडा। तो भाई पीछे जो आपको कमरे दिख रहे थे कांच के, वो हैं यहाँ पे जो मेड इन रवांडा चीज़ें होती हैं, लोकल लोगों को प्रमोट करने के लिए वो चीज़ें वहाँ पे बेची जाती हैं। भाई कितना अच्छा सिस्टम है इस देश का, देखो तो आप। और डाउनटाउन में लोगों के रेस्ट रूम्स कुछ ऐसे बने हुए हैं। दे आर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और व्हाट? गवर्नमेंट ओन नहीं है भाई, खुद की बिल्डिंग्स है लोगों की, जो आपके सबसे अमीर लोग हैं रवांडा के, वो लोग ऑन करते हैं इनको। यहाँ पे भी लोग भाई वैसे आते हैं फ्री वाईफाई यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये पूरा डाउनटाउन वाला एरिया है ना, यहाँ पे वाईफाई फ्री है, तो लोग आते हैं मूवी डाउनलोड करते हैं चले जाते हैं। ओके, दिस थिंग्स आर लोकल मेड इन रवांडा। यहाँ पे कुछ ऐसा भंगड़ा मिल रहा है भाई, इसमें से तो कोई भी मेरे काम की चीज़ नहीं है शायद। ओके, हाउ मच फॉर दिस? 20,000। ओह माय गॉड, यू आर सेलिंग सो एक्सपेंसिव यार। तो ये भाई आपकी अफ्रीका की सबसे डेवलप्ड सिटी। और एक और चीज़ बता देता हूँ भाई डाउनटाउन के बारे में, ये पूरा एरिया है ना भाई आपका कार फ्री एरिया, यहाँ पे कोई व्हीकल्स अलाउड नहीं। आपको दिख रहा होगा हर जगह बस लोग घूम रहे हैं, ना कार है ना कोई बाइक है। भाई इतना अच्छे से कौन रूल फॉलो करता है भाई, सच में दुबई में भी नहीं करते हुए जितनी जागरूक यहाँ की पब्लिक है। सच में ये चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप करे यार। और यहाँ पे बना हुआ है कुछ जैसा कि आई लव चंडीगढ़, और यहाँ पे किगाली। भाई सबसे क्लीन का और बाकी सब तो मुझे पता नहीं, वो तो आपने देख लिया, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो क्लीन है या नहीं, लेकिन मैं ये बोलूँगा भाई सबसे ग्रीन सिटी है ये। भाई आप कहीं भी चले जाओ, शिमला मनाली इंडिया का कौन सा पार्ट, नॉर्थ ईस्ट में भी चले जाओ, लेकिन सिटी इतना ग्रीन आपको कोई नहीं मिलेगा। जंगल मिलेंगे आपको, फॉरेस्ट मिलेंगे, लेकिन सिटी के अंदर हर जगह आप देख रहे हो ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। भाई कितना भी डेवलप हो लेकिन आपको बैगर्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे। भाई इनको भी कुछ दे देना चाहिए यार, ये भी बेचारे उम्मीद लगा के आते हैं कि बाहर का आदमी आए घूमने के लिए तो अमीर होगा, तो थोड़ा किसी के सामने तो अमीर बन जाते हैं ना, वास्तव में तो नहीं है। I and M. और अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ की एक और बस से आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग के सामने। ये भाई यहाँ का I&M बैंक। भाई आर्किटेक्चर दिख रहा है, सच में स्पेशल जगह है यार, स्पेशल देश है। मैं पहले ना इस देश को स्वाइप करने का ट्राई कर रहा था, मैं सोच रहा था कि युगांडा से सीधा तंजानिया में एंटर कर जाऊँगा या फिर बुरुंडी के अंदर, बट अभी आके मेरे को वर्थ इट लग रहा है। भाई डाउनटाउन बवाल है यहाँ का, हर जगह देख रहे हो आप, इतना सुंदर और ऊपर से इतना ज़्यादा डेवलप, भाई अनबिलीवेबल। मैंने नहीं सोचा था अफ्रीका में भी कोई कंट्री मिलेगी, स्पेशली जब मैं केन्या और युगांडा में एंटर किया था, मैं सोचा था हर जगह पे ऐसा ही भंगड़ा होगा, कचरा फैला हुआ होगा, लेकिन नो आई वॉज रॉन्ग, ऐसे भी देश मिल जाएंगे भाई आपको अफ्रीका में। और अभी आ चुके हैं हम डाउनटाउन के बीच में जो पार्क बना हुआ है, ऐसा पार्क है भाई यार, कहाँ मैं कंपेयर करूँ इस कंट्री को इंडिया के साथ में, नहीं हो सकता। और यहाँ पे भी फ्री वाईफाई है इसलिए लोग बैठे हैं। हे ब्रदर, यू आर यूजिंग फ्री वाईफाई? एक और स्पेशल चीज़ बताता हूँ मैं आपको इस देश के बारे में, यहाँ पे ना भाई महीने में एक दिन ऐसा होता है जब कार फ्री डे होगा, लोग साइकिल यूज़ करेंगे, पैदल जाएंगे। आई वॉन्ट टू आस्क यू, इज देर एनी स्कीम लाइक दैट, देर इज कार फ्री डेज इन ए मंथ? Yeah, it's not a month.
ऑन संडे भाई बता रहे कि महीने में नहीं हर संडे को या सैटरडे को होता है भाई ये रूल। भाई 1962 में ये देश आज़ाद हुआ था, जर्मन लोगों ने राज किया, उसके बाद आज़ादी हुआ, लोकल पॉलिटिशियंस आए और फिर 94 के अंदर सबसे बड़ा हादसा हुआ यहाँ पे, लगभग 1 मिलियन लोग मारे गए यहाँ पे, जो गृह युद्ध हुआ था, जेनोसाइड हुआ था। उसके बाद 25-30 ईयर्स के अंदर इतना डेवलपमेंट अकेले भाई सरकार की बदौलत पॉसिबल नहीं है, लोगों ने भी पूरा साथ दिया है गवर्नमेंट का। दिस इज चिंपैंजी और गोरिल्ला। गोरिल्ला अट्रैक्शन भाई यहाँ का ये ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो आते हैं वो हाइकिंग के लिए भी जाते हैं तो गोरिल्ला देखने के लिए जाते हैं। और एक और स्पेशल चीज़, यहाँ पे आपको साइकिल भी रेंट्स के ऊपर मिल जाएंगे भाई। हाउ मच फॉर 1 आवर? 300। ओके भाई, चीज़ें भी सस्ती हैं आपको यहाँ पे, इतना कोई महंगा नहीं दे रहा। एक घंटा 300 रुपये के अंदर, 300 रुपये कितना हो गया इंडिया का? 7, 14, 21, आपका 21 से लगा लो 22 रुपये के बीच में। गवर्नमेंट चाहती है कि आप चीज़ों को यूज़ करो और कंट्री को साफ सुथरा रखो, साइकिल चलाओ, पोल्यूशन मत करो। भाई कितना भी भीड़ हो, कितना भी ट्रैफिक, वो एक भी हॉर्न सुनाई दे रहा है आपको? नहीं सुनेगा भाई, नहीं सुनेगा। इस कंट्री के अंदर ऐसा सब कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग होती है, वो इसी चीज़ को फोकस में रख के होती है कि फर्स्ट कंट्री भाई, खुद का पैसा वैसा लेना है वो बाद में, और अगर पैसा लेंगे भी तो उसके लिए खतरनाक सजा होती है भाई। यहाँ पे ड्यूटी से तो निकालेंगे बट उसके अलावा भी जेल वगैरह, अगर आप ब्राइब लेते हो तो। यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला ऐसे नहीं मिलेगा, सब लोग हेल्पफुल मिलेंगे। 2-3 मेरे को मिले थे, वो भी मेरे से पूछ रहे थे, मैं रोड पे खड़ा था, तो कि कोई हेल्प चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं बोला भाई कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तू परेशान मत करना बस, क्योंकि पीछे वाली कंट्रीज में ये एक्सपीरियंस किया था भाई मैंने, तो डर लगता है ना। तो ये भाई यहाँ का लोकल मार्केट देख रहे हो, कितनी शांति से सब कुछ काम हो रहा है भाई। अगर केन्या के साथ में कंपेयर करें तो क्या हो रहा था? आप दुकान के सामने से जा रहे हो, आपको हाथ पकड़ के दुकान के अंदर खींच लेते हैं लोग। सच में बहुत ऑर्गेनाइज कंट्री है ये। बाकी अफ्रीका से मैं बोल सकता हूँ 50-60 साल आगे है आराम से। तो अभी पहुँच चुके हैं भाई हम यहाँ के बस स्टेशन के ऊपर, देख रहे हो बस स्टेशन के ऊपर भी कितना अच्छे से काम चल रहा है, बिल्कुल साफ सफाई है, लोग शांति से खड़े हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा, कोई हा हुल्ला नहीं चल रहा जैसा केन्या में चल रहा था। केन्या में भी ये चला था भाई, हाथ पकड़ पकड़ के आपको बस के अंदर डाल देते हैं। मैं पिन कर देता हूँ केन्या वाली वो वीडियो, बहुत स्पेशल वीडियो भाई, आप देख लेना, यहाँ पे पिन कर रहा हूँ मैं। पर यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मतलब अगर आपको कोई आपका दोस्त मिलता है तो आपसे अच्छी तरीके से मिलेंगे, लेकिन आपके साथ अगर जैसे मैं उस भाई के साथ, तो उसके दोस्त उससे अच्छी तरीके से मिल रहे हैं, मेरे से हाथ भी नहीं मिला रहे, मैं ज़बरदस्ती ऐसे करता हूँ तो हाथ मिला लेते हैं, थोड़ा वियर्ड लगता है यार ये वाला चीज़। तो अभी जा रहे हैं भाई हम लोग कुछ खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें घूमते हुए 2-3 घंटे हो चुके हैं, कुछ खाना खा लेते हैं अभी यार। मामा तो ये आ चुका है भाई अपना लोकल खाना, ये आपकी फिंगर चिप्स होगी, ये अपनी शकरकंदी, ये अपने बीन्स आ गए, राजमा, ये कुछ मैगी जैसा कुछ है, ये चावल और एक अंडा। भाई एक चीज़ ना मैंने यहाँ पे जो स्पेशल देखी है इन अफ्रीकन लोगों के बारे में, भाई इनकी डाइट खतरनाक होती है, साले भर भर के खाते हैं, 1-1 किलो खाना खा जाते हैं, मैं देख के डर जाता हूँ इनके खाने को, लेकिन जब तक मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ ये लोग ख़त्म कर देते हैं इसको, स्पीड भी अच्छी होती है इन लोगों की। एक चीज़ बताता हूँ जो मेरे को यहाँ पे आने के बाद चुभती है थोड़ा, भाई यहाँ पे ना रवांडा में आने के बाद आपको लड़कियाँ भाव नहीं देती, वरना केन्या में युगांडा में काफ़ी भाव दे रही थी। इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं हैंडसम हूँ ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हैंडसम नहीं हूँ मैं, लेकिन जो रियलिटी है उन लोगों को ये लगता था कि मैं वाइट हूँ, इस वजह से मेरे पास काफ़ी पैसा होगा, वो मेरे पास आएंगे तो फिर काफ़ी पैसा मैं उनके ऊपर उड़ा पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे मतलब लड़कियों का कैरेक्टर वैसा नहीं लग रहा, काफ़ी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़कियाँ दिख रही हैं मेरे को यहाँ पे, कोई मतलब इतना भाव नहीं दे रही, देख भी रही है तो कोई पास में आके मेरे को हाय हेलो नहीं कर रही, कोई नहीं बोल रही कि मेरे को बियर पिला दे, मेरे को बाहर ले चल ना। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि आपको यहाँ पे लोग आत्मसम्मान वाले हैं भाई। देख रहे हो भाई जेब्रा क्रॉसिंग का कितना असर है यहाँ पे, लोग जा रहे हैं, एक पैर रखा ना किसी ने भी जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर तो पूरी गाड़ियाँ रुक जाएंगी पीछे। भाई पूरा मुस्लिम एरिया है ये, यहाँ पे कि आपको सोमाली लोग या फिर अरब लोग ये सब लोग मिल जाएंगे, बिजनेसमैन मोस्टली यही हैं यहाँ पे। और जो लेडीज़ मिलेंगी वो हिजाब पहने हुए मिलेंगी, ज़्यादातर लड़कियाँ या फिर जिनकी शादी होगी वो बुरखा पहने हुए मिलेंगी। एंड द वन द फुल ड्रेस द ब्लैक ड्रेस इज कॉल्ड हिजाब बुरखा, नो वी कॉल बुरखा इन आवर कंट्री, यू कैन से बुरखा, हिजाब, हिजाब इज़ फॉर अनमेरिड गर्ल्स आई थिंक ना, डन ओके। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ की एक मुस्लिम स्ट्रीट के अंदर, और
यहाँ पे भी देखो यार चीज़ें कितना ढंग से हो रही हैं। पूरा जो गली है उसको पेंट किया हुआ है, दिख रहा है आपको भाई। इस गली में ना आपको टोटल मुस्लिम फूड मिलेगा, और जो मोस्टली लोग हैं काम करने वाले या जिनके होटल हैं वो भी आपको सोमाली मिलेंगे या फिर अरब लोग मिलेंगे, लेकिन जो मोस्टली कस्टमर्स हैं वो आपको युगांडन मिलेंगे। भाई ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने इस कंट्री से, और बहुत ज़्यादा शौक लगा रहा है ये देश मेरे को अब तो। अभी इस एरिया से निकल के भाई हम जा रहे हैं एक और फेमस एरिया के अंदर यहाँ के। भाई घर भी यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, ये ओल्ड की गाली है भाई। भाई बिल्कुल गोवा वाली भाई सारी है। घर है, घर के सामने आपको पाम का पेड़ मिलेगा या फिर केले का, और सामने की तरफ पहाड़ी पे आपको पूरा की गाली दिख रहा होगा। भाई कितना खतरनाक सेक्सी सीन आ रहा है। और भाई अभी दिखाऊंगा मैं की गाली का सबसे सेक्सी वाला सीन आपको, व्यू पॉइंट जो है बेस्ट वाला। जस्ट चेक इट आउट भाई, ऐसे लग रहा है हम चांद पे बैठ के जमीन को देख रहे हैं भाई। पूरे स्टार्स ही स्टार्स दिख रहे हैं ना, ये की गाली की लाइटिंग है भाई रात के टाइम का। भाई कितना सुंदर शहर है, दिन में इतना सुंदर दिखता है, रात को इससे भी ज़्यादा सुंदर। भाई पूरा शहर ना ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, अप डाउन जैसे आप घोड़े के ऊपर बैठे हो ऐसे फील आती है। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my